अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि महाराष्ट्र की नई नवेली सरकार खतरे में है। कांग्रेस और एनसीपी की बैसाखी पर चल रही शिवसेना सुप्रीमो और सीएम उद्धव ठाकरे की सरकार किसी भी दिन दम तोड़ सकती है। हालांकि एनसीपी चीफ और पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार अभी तक इस बात से इनकार करते रहे कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन राजस्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने जिस तरह से हाल में सरकार पर हमला बोला था और उसके बाद शिवसेना ने पलटकर करारा जवाब दिया है, उससे साफ है कि शिवसेना कांग्रेस की धौंस में नहीं आने वाली। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में कांग्रेस की खुड़की पर साफ कहा है कि कांग्रेस एक पुरानी खटिया है जो चरमरा रही है। कांग्रेस नेताओं अशोक चौहान और थोराट पर हमला करते हुए शिवसेना ने ये कहते हुए चुटकी ली कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, लेकिन रह रहकर पुरानी खटिया कुरकुर की आवाज कर रही है। इस पुरानी खटिया पर करवट बदलने वाले लोग भी बहुत हैं, इसलिए ये कुरकुर की आवाज करती है। पार्टी के मुखपत्र में ठाकरे सरकार को सलाह दी है कि अघाड़ी सरकार को ऐसी कुरकुराहट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिवसेना ने यह भी ताना मारा कि अघाड़ी में शरद पवार सबसे अनुभवी नेता है, लेकिन उनकी खटिया से भी कुरकुर की आवाज नहीं आती। हालांकि शिवसेना ने एनसीपी की तरह दावा किया है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन ताजा पलटवार ने साफ कर दिया है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालात ऐसे हो रहे हैं कि किसी भी दिन सरकार के लिए बुरी खबर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।